जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे क्या यूनिट नंबर टू क्या है हमारा, काइनेमैटिक्स ऑफ द रोबोटिक्स। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स इन डिटेल। तो हमको होमोजेनियस पहले ट्रांसफॉर्मेशन देखना है कि होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं लाइन टू बाय लाइन, आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्या है हमारा होमोजेनियस, जैसे कि नाम पता चल रहा है होमोजेनियस, जिसमें हमारा एन बाई एन मैट्रिसेस प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलेंगे क्या, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि होमोजेनियस जो स्क्वायर फॉर्म में हो, या 3x3 हो या 4x4, बस इसमें आप जान लीजिए कि होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें दोनों होते हैं, 3x3 मैट्रिक्स हो सकते हैं या 4x4 मैट्रिक्स हो सकता है। अब 4x4 मैट्रिक्स क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, कौन सा, ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स, ये होता है। अब आगे देखते हैं इसको हम क्या करते हैं, ये इसलिए इजियर होता है कि उसको स्क्वायर फॉर्म में लाते हैं। इसको स्क्वायर फॉर्म में हम इसलिए लाते हैं क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा हो, इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैलकुलेट करने में इजियर होता है किसके कंपेयर में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कंपेयर करने में। अब आगे देखते हैं क्या है कि जो हमारा मैट्रिक्स होना चाहिए वो इस ऑर्डर का होना चाहिए, एम बाई एन या एन बाई पी, क्यों, क्योंकि हमारा ये मल्टीप्लाई में इजिली हो सके, इसलिए हमारा। और इसके बाद देखते क्या है कि हमारा जो ए या बी कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस आप लेंगे उसको क्या करना है आपको, एम बाई एम या एम दोनों का डायमेंशन जो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ये चीज है इसमें। अगर दो मैट्रिक्स क्या है अगर सेम ऑर्डर के नहीं है तो उनका जो लास्ट वाला कोफिशियंट जो कॉलम वाला है और उसका रो दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमको लास्ट में, इन लास्ट हमारा एम क्या है, इसीलिए लिखा है रिजल्टेंट ऑफ ए बी हैज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, दोनों से डिफरेंट होगा क्योंकि आपने रो उसका लिया कॉलम उसका ऐड किया तो उसमें क्या होगा डिफरेंस आएगा। सिंस अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं नीचे। और इसमें एक चीज और आपको याद क्या रखना है कि ये हमारा क्या था, 3x3 मैट्रिसेस था या 4x4 मैट्रिसेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 4x4 मैट्रिसेस है उसका जो फोर्थ वाला होगा हमारा, उसको हम पोजीशन इन ऑर्डर कीपिंग मैट्रिक्स स्क्वायर, मतलब ये जो हमारा ये वाला है फोर्थ वाला है वो क्या डिटरमाइन करेगा, ये हमारा डिटरमाइन करेगा पोजीशन, क्या पोजीशन है मैट्रिक्स का, ये हमारा ये डिफाइन करेगा जो फोर्थ कॉलम होगा, ये चीज। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैथमेटिकल प्रोसीजर क्या है ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का, कि उसका मैथमेटिकल प्रोसीजर क्या है। तो आप देखिए कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट, कोई भी एक ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स यहाँ पे डी ले लिए, ए जो कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और जो हमको वो डिस्क्राइब कर रहा है उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे उसके मैट्रिक्स फॉर्म में, 4x4 मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, ये देखिए आपको सिंपल, ये सिंपल आप तो ये जानते ही हैं, जैसे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है बस लास्ट वाला जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ये चीज होता है इसमें। और उसके बाद देखिए क्या है इसमें होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन में, इसके लिए हम क्या निकालते, जब हमको कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं तो उसके लिए हमको कोई एक आर्बिट्री वेक्टर डिफाइन करना होता है, यहाँ पे लिखा है ना आर्बिट्री वेक्टर, जो कि उसके कॉलम का और इसका रो दोनों सेम होना चाहिए। तब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्री वेक्टर हमने लिया, लेकिन अब उसका हमको क्या निकालना है, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो यहाँ पर हम एच नाम का एक ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, आर्बिट्री वेक्टर से, तो हमारा वो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा देखिए ये रहा ना, ये मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया जो हम आर्बिट्री है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या मिला, ये यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट है, ए बी इज द रिजल्टेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी बोथ पर्सपेक्टिव। तो हमारा ये देखिए, अब हमको क्या चाहिए, ये तो केवल डिस्प्लेसमेंट निकला, लेकिन हमको डिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, जो क्यू और डी है उन दोनों के इक्विवेलेंट डिस्टेंस, तो उन दोनों को सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो हम जैसे देखिए कि यहाँ पे हमारा जब इसको आप लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में तो ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा, ए बी सी यहाँ पे ऐड हुआ एक्स्ट्रा और एक्स वाई जेड आपका पहले से था, तो सिंपली हम यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। देखिए
सिंपल जैसे आपको उसमें क्या था हमारा, इसमें देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या हमारा था एबीसी जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स था, ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स, और उसमें क्या था उसके बाद हमने कोई भी एक आर्बिट्री वेक्टर लिया था, फिर उसमें क्या किया था हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमको, कोई भी एक ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जो कि हमारा ये होगा। फिर उसके बाद तो और को उसको हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे उन दोनों को ऐड कर देंगे, ये रहा हमारा। फिर उसके बाद क्या है हमारा, अब रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, तो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, जो भी राइट हैंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फ्रेम होता है क्या, जो कि रोटेशन अराउंड थ्री एक्सिस, थ्री एक्सिस अब क्यों है यहाँ पे कि समझे जैसे थ्री एक्सिस, क्योंकि कोई भी कार्टेशियन फॉर्म होता है वो हमारा थ्री, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, काउंटर क्लॉक वाइज होगा। ये चीज है हमारा कि जो हमारा रोटेशन होगा वो कैसा होगा, काउंटर क्लॉक वाइज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे काउंटर क्लॉक वाइज मतलब क्या हुआ आप समझे, जैसे काउंटर क्लॉक वाइज आपका देखिए यहाँ पे ये ऐसे मूव कर रहा है ना क्लॉक वाइज, देखिए ये आपका डायरेक्शन रहा थीटा का, तो ये चीज है आपका। इसमें रोटेशनल में बस सिंपल यही है कि जो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, कोई भी कोऑर्डिनेट फ्रेम को रोटेशन कैसे करता है हमारा, वो रोटेशन करता है काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन करता है, ये चीज है इसमें। और जो ये इसमें जो अगर पॉजिटिव रोटेशन क्या डिस्क्राइब करता है, वो राइट हैंड रूल को फॉलो करता है, जैसे कोई भी पॉजिटिव उसमें डायरेक्शन हमको पता करना है कि वो कैसे डिस्क्राइब होगा, जैसे यहाँ पे आपने दिया देखा था काउंटर क्लॉक वाइज, तो वो कैसे वो होगा राइट हैंड रूल जैसा आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इससे ये डिफाइन होता है। फिर उसके बाद देखेंगे जो डायरेक्शन ऑफ रनिंग एथलीट या स्टेडियम भी होता है वो भी एग्जांपल किसका होता है, पॉजिटिव रोटेशन का होता है। ये जैसे आप एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे काउंटर क्लॉकवाइज या जो एथलीट होते हैं वो रन करते हैं वो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव रोटेशन, ये चीज है इसमें। अब देखिए यहाँ पे हमने तीन एक्सिस ली है एक्स वाई जेड, और जो कोऑर्डिनेट एक फ्रेम हमने किया है कोई भी, जैसे कोई भी एक कोऑर्डिनेट फ्रेम किया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और जो हमारा रिफरेंस फ्रेम है वो क्या है एक्स वाई जेड, ये हमारा रिफरेंस फ्रेम है और ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेट फ्रेम, उसको कैसे इस पे हम प्लॉट करेंगे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट में, जो हमारा एक्स और एक्स डैश एक्सिस होगा वो क्या होगा कोलिनियर होगा, किसके लिए आप देखिए कोलिनियर, और जो हमारा ये वाई और वाई डैश के बीच में क्या होगा एंगल अल्फा बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे देखिए लिखा है ना एक्स एक्सिस फॉर एंगल अल्फा, और सेम वैसे भी इसमें भी अल्फा बनेगा, तो इसमें रोटेशनल में कुछ नहीं है, रोटेशनल में एक पॉजिटिव डायरेक्शन उसको इसको ये आप देखेंगे रोटेशन कैसे हमारा हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है काउंटर क्लॉक वाइज हो रहा है, ये किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा है राइट हैंड रूल के तरफ डिस्क्राइब किया जा रहा है। और इसमें क्या है सिंपली कि हमने तीन एक्सिस लिए हैं एक्स वाई जेड, और जो एक्स एक्सिस है हमारा वो कोलिनियर है, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारा अल्फा एंगल पे वो डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब उसमें एंगल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये आ रहा है। अब उसके बाद क्या है इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट थ्री रोज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कोरिस्पॉन्ड टू एक्स, जो पहला तीन है वो पहला कोरिस्पॉन्ड, अब देखिए यहाँ पे अब सिंपल अगर हमको रोटेशनल मैट्रिक्स लिखना है किसके एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो यहाँ पे देखिए पहला एक्स खुद के रिस्पेक्ट में जीरो डिग्री, फिर उसके बाद वाई वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखिए ये पहला ये वाला वाई लेंगे तो क्या है 90 डिग्री, फिर उसके बाद जेड जेड भी हमारा 90 डिग्री, फिर उसके बाद आपका क्या है ये उसका ट्रांसलेशनल कितना वो मूव किया वो देखिए जीरो है, वैसे भी इसमें भी हो जाएगा कि कॉस 90 पहला खुद एक्स डैश उसके रिस्पेक्ट में जो आप वाई के रिस्पेक्ट में फिर अल्फा, लेकिन यहाँ पे सिंपल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बस याद क्या रखना है ये याद रखना है कि हमारा जो रोटेशनल होता है एक्स विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ये होता है। देखिए आपको सिंपल ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने का, देखिए हमारा क्या एक्स है एक्स एक्सिस वाला क्या होगा पहले उसमें क्या होगा वन के अलावा और सब जीरो होंगे, और जो बचा बीच वाला कंपोनेंट वो हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा नीचे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये होना चाहिए। अब देखिए हम अगर ठीक वैसे ही हम यहाँ पे देखिए वाई के रिस्पेक्ट में जब हम वाई को कोलिनियर कर दिए, देखिए वाई को हम यहाँ पे कोलिनियर कर दिए तो हमारा एक्स डैश वहां पे एक एंगल बना रहा है फिर वाई डैश एक एंगल बनाएगा, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिंपली ये याद रखना है सॉरी ये देखिए आपका ये देखिए वाई कंपोनेंट वाला क्या है आपका जीरो है टोटली जीरो है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या है अगर जेड निकालना है तो जेड वाला हमारा देखिए वन को छोड़ के और सब जीरो रहेंगे, और ये चीज आपको याद करना है। देखिए वहां पे क्या था कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर आपका था माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर देखिए इसको आप देखिए इनवर्स एडजॉइंट की तरह बीच वाला छोड़ के एडजॉइंट की तरह वो चीज आप
कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है कि कोई भी पॉइंट U है जो रोटेट कर रहा है किसके, जेड एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, V के पॉइंट के अकॉर्डिंग U रोटेट कर रहा है 90 डिग्री अबाउट पॉइंट V एक्सिस। और V क्या है हमारा, एक ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स है जो 4 माइनस 3 और 7 का है, किसकी अलोंग है, एक्स वाई जेड अलोंग एक्स वाई जेड। तो हमको फाइंड क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हमको कंप्यूट करना है अगर हमारा U इज इक्वल टू ये गिवेन है। अब देखिए U क्या हमारा रोटेट हो रहा था अबाउट जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस रोटेट कर रहा था, उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था। तो उसका जो अल्फा हम यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है पहला ही 90 डिग्री द्वारा, यहाँ पे दिया है ना 90 डिग्री द्वारा, तो वो 90 रख दिए। जब हम 90 किए तो हमारा U ये V आ गया। अब क्या करना है, सिंपल देखिए, जो हमको U दिया था ये तो पहले हमको दिया हुआ था क्या, V एक्सिस निकाले थे जो रोटेट कर रहा था हमारा जेड एक्सिस के, जेड एक्सिस यू के अबाउट। और हमको एक दिया था यहाँ पे क्या, देखिए V दिया था हमको ट्रांसलेटेड, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म बदल देंगे तो लास्ट वाला बस लिख देंगे और सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। अब देखिए हमको क्या निकलना है कि हमको जो W निकालना है ना, W क्या होगा, U और V का मल्टीप्लाई। वैसे ठीक, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रिजल्टेंट ये आ गया। अब लेकिन लेकिन ये देखिए, ये हमारा कहाँ तक आया, ये W एक्सिस आया, लेकिन क्यों कहाँ अभी आया, अभी H आया है कि जो हम रोटेट किए मैट्रिक्स को, जैसे ये हमारा कोई भी एक मैट्रिक्स है, इस पॉइंट को ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट दोनों निकाल दिए हमने निकाल दिया, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमको कैसे पता होगा, देखिए यहाँ पे जो ये दोनों हो गया, ये तो मल्टीप्लाई करके हमको वेक्टर मिल गया, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों। अब उसके बाद हमको जो यू वेक्टर दिया, यूनिट टाइप का दिया है, यहाँ पर देखिए यू वेक्टर हमको दिया है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा था, उसको एक बार मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्योंकि तभी हमको जो कोऑर्डिनेट ऑफ डब्ल्यू मिलेगा वो मिलेगा। अभी तो कोऑर्डिनेट हमको मिला नहीं है, उसको कोऑर्डिनेट मिलने के लिए जो हमको यू वेक्टर दिया उसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके, एच। और एच आपने कैसे निकाला कि पहला जो दिया था हमको एंगल जेड एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला था कॉस 90, ये अल्फा था, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद आपने वैल्यू रखा, फिर उसके बाद U का वैल्यू दिया था, तो U का आपको वैल्यू दिया था यहाँ पे नीचे, आपने सिंपल फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट आपने इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए उसके बाद क्या है कि हमको एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर ये कि U कोऑर्डिनेट किसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा रहा है और पॉइंट V, और V यहाँ पर देखिए V पॉइंट V रोटेट कर रहा है किसके, Y एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। वहां पे केस क्या था, सिंपल एक एक केस था कि दोनों रोटेट कर रहे हैं, एक ही रोटेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है कि U जो है वो रोटेट कर रहा है 90 डिग्री Z एक्सिस के, इसके पॉइंट के V, और V क्या है रोटेट कर रहा है Y एक्सिस के अबाउट पॉइंट W, और W का हमको पॉइंट दे दिया है। यहाँ पे देखिए W का पॉइंट हमको दे दिया, एक मिनट इसको इरेज कर दे फिर। यहाँ पे देखिए हमको जो W का पॉइंट है वो दे रखा है, और एक्स वाई जेड क्या है रिस्पेक्टिवली टू ऑप्टेन पॉइंट X1, और हमको फाइंड क्या करना है, X1 का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए पहला हम U निकाल लें जो कि Z एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री, फार्मूला में रखे आपका वैल्यू आ गया सिंपल। और फिर हम V भी निकाल लें क्योंकि वो हमारा क्या 90 डिग्री Y एक्सिस के रोटेट कर रहा था, W मिल गया, U मिल गया, W मिल गया आपको, और X हमको जो W ये W मिला है, तो ये W हमारा ट्रांसलेट मैट्रिक्स दिया था इसका, देखिए माइनस 5 3 और 8 दिया था, तो इसको जब मैट्रिक्स में बदलेंगे तो ये हमारा आ गया जो यहाँ पे, क्योंकि हमको स्क्वायर मैट्रिक्स लाना होगा इसलिए हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद हम W अब ओवरऑल मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, देखिए ओ W कैसे था, पहले वो जो रोटेट कर रहा था ये किसके रोटेट कर रहा था, U, फिर इसके बाद ये V रोटेट कर रहा था और इसका ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स दे दिया। तो सिंपल है कुछ नहीं, पहले हमको क्या करना है कि रोटेशनल जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको रोटेट उस हिसाब से करना है, फिर उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, उसको हमको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और ट्रांसलेशनल को मैट्रिक्स को हमको पूरे कम्प्लीट स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे आपका सिंपल यहाँ पर आ गया, आपने पूरे वैल्यू को रखा, आपका W मिल गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, X1, और X1 क्या है, U के अबाउट W क्या है, W क्रॉस V जो कि परपेंडिकुलर है हमारा किसके, W क्रॉस V, जब आप लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल तो आपको पता चलेगा X1 का डायरेक्शन भी प्लस X1 का प्रोडक्ट, तो X1 का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, U आपको दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में आपको दिखा भी दे रहे हैं, U देखिए आपको दिया था किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जो हमारा फर्स्ट वाला होता है ये वाला, उसको लास्ट जो ओवरऑल हमारा आया उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आपको कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकेंड डिग्री फ्रीडम आर्म क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है,
देखिए इन मेनी इसमें क्या लिखा है, इन मेनी केस इट इज इम्पोर्टेंट टू एबल डिराइव ज्वाइंट एंगल गिवन इंड ऑफ अनकोडेड इनवर्टिस। इसका मतलब देखिए क्या है कि रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हमको जैसे कि हमको उसमें दिया है जो हमको वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, मतलब कि हमको जैसे आप बता रहे हैं, आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल लेके, जैसे आपको ये इसका जैसे एक्स वाई और जेड आपको दिया है, अब हमको ये आपका वर्ल्ड स्पेस है, जो आपका वर्ल्ड स्पेस है ये, अब इसको हमको किसमें डिराइव करना है, ज्वाइंट एंगल में, क्योंकि किस हिसाब से वो ज्वाइंट एंगल हुआ है, कोई जैसे यहाँ तो मान लीजिए ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो इन दोनों में देखिए एंगल बन रहा है ना, थीटा वन थीटा टू यहाँ पे थीटा थ्री, तो हमको क्या कन्वर्ट करना है कि ये जो कार्टेशियन से हमको ज्वाइंट एंगल में कन्वर्ट करना है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स, और कुछ नहीं है, रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमको कन्वर्ट करना है, यही चीज है हमारा, बस सिंपल। अब आगे हम आपको पढ़ के एक बार बता देते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है जो इसमें टिपिकल सिचुएशन में रोबोट को कंट्रोल करना बहुत ही मतलब वो हो जाता है, एंगल में जैसे क्या होता है, एंगल में ही रिक्वायर्ड होता है इसके मूव इंड आर्म को, जैसे इंड आर्म को मूव कराने के लिए हमारे क्या होता है कि वो एंगल में ही रिक्वायरमेंट मांगता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको क्या जो कार्टेशियन दिया होता है उसको हम चेंज करेंगे, इसलिए हमारा यूज आता है कि हमको उसको चेंज करना है, इसलिए बस रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिंपल ये है कि आपको जो कार्टेशियन या वर्ल्ड स्पेस जो दिया हुआ है उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, ज्वाइंट एंगल में कन्वर्ट करना है, ये चीज है आपका। देखिए यहाँ पे लिखा भी है फॉर टू लिंक मैनिपुलेटेड वी हैव टू पॉसिबल रीचिंग एक्स वाई, ये तो सिंपल एक एग्जांपल आपको दे दिया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पे जैसे कई सारे एग्जांपल दिए हैं कि वन स्ट्रेटजी मस्ट बी डेवलप अप्रोप्रिएट कॉन्फिगरेशन, उसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए जब हम उसको चेंजेस कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या है एक अप्रोच क्या है जो कंट्रोल अनयूनिमेट पुमा रोबोट, एक पुमा रोबोट एक नाम है जो कि लैंग्वेज को, जैसे लैंग्वेज होता है ना उसमें क्या चेंजेस लाना है, जैसे लिखा है ना देखिए पुमा कंट्रोल द लैंग्वेज वेल हियर इज सेट ऑफ कमांड, उसमें सब कमांड सेट होता है क्या कि एवब और बिलो जो डिटरमाइन करता है कि हमको किस मतलब वर्ल्ड स्पेस में चाहिए या कोई भी एंगल एक डिटरमाइन करने के लिए कोई भी वैल्यू चाहिए, ये सब चीजें उसमें डिफाइंड होती है पहले से ही, तो हम देख सकते हैं आगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सिंपल एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कैसे उन्होंने कन्वर्ट किया। देखिए पहला इसमें ये आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए ये आपको जो जनरल फार्मूला आपको याद होगा। अब देखिए एक्स हमको निकालना है, तो एक्स आप कैसे निकालेंगे, पहला देखिए हमारा क्या है, ये मान लीजिए एंगल ये कहाँ है थीटा है हमारा, ये थीटा वन है, ये एल वन इसका डिस्टेंस है, L2 इसका डिस्टेंस है, बस सिंपल याद रखिए। तो हमको देखिए जैसे पहला निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये सिंपल L1 cos थीटा इसका आ गया वैल्यू, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, ये देखिए L2 cos थीटा था प्लस हमको ये तो अभी यहाँ तक मिला, फिर हमको यहाँ पे भी करना है जो कि एंगल थीटा वन है, तो L2 cos थीटा टू cos थीटा वन ये हो गया। अब उसमें x में क्या है, अब इसमें जो इसका प्रोडक्ट उसको माइनस भी करना होगा, क्या माइनस हमको क्या करना है कि जो हमारा ये L2 cos थीटा L2 sin थीटा माइनस वन और sin थीटा टू। अब देखिए ये आप पूछेंगे कैसे आया, देखिए हमारा जो इंडिकेशन क्या था, हमारा जो फाइनल वैल्यू क्या था इसमें, L2 cos थीटा टू प्लस थीटा वन। अब इसका देखिए फार्मूला आपको इसमें रखना है, दिखा रहे हैं आपको एक मिनट, देखिए अब ये फार्मूला आपको इसमें रखना है, एक मिनट इरेज भी कर देंगे तो आपको पता अच्छे से चलेगा। हमारा क्या था, इसका फाइनल वैल्यू क्या था x का, पहला तो L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। जब आप इसको ओपन करेंगे तो हाँ यह यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, बस सिंपल और कुछ नहीं है, बस देखिए यहाँ पर सिंपल आपका वैल्यू आ गया, फिर x1 का वैल्यू मिल गया, ठीक वैसे ही हम निकालेंगे इसका y का वैल्यू। अब हम जानते हैं जैसे जब आप यहाँ पर ट्रायंगल रूल फार्मूला लगाएंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हमको मिलता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये माइनस उन दोनों के डिस्टेंस का अपॉन 2l1 l2, ये आपको फार्मूला याद करना है। फिर उसमें हमको क्या अल्फा अल्फा और बीटा एंगल जो इसमें डिफाइन है यहाँ पे, देखिए एक को अल्फा मान लिए, एक को अल्फा मान लिए और एक को बीटा मान लिए, ये एंगल हमको डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए फार्मूला टेन अल्फा और टेन बीटा फार्मूला सिंपली आप लगा देंगे। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसको जब उसको वो खोल दिया है तो यहाँ पे अल्फा एंगल बना, यहाँ पे बीटा ओवरऑल बना, तो टेन ए माइनस बी हम यहाँ पे लगा के आपका वैल्यू निकाल देंगे।
देखिए ये हमारा फॉर्मूला आपको याद करना होगा, टेन थीटा इज वन इज इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा। देखिए याद कुछ नहीं करना है आपको, एक बार लॉजिक बता देते हैं कि वाई बाई एक्स तो आपने याद किया है टेन थीटा का, अब लेकिन हमको क्या डिस्टेंस हम निकालना है, तो एल वन पहला था डिस्टेंस, दूसरा एल टू कॉस थीटा, दोनों का एड हो गया, और माइनस क्या कर देंगे वर्टिकल वाला कंपोनेंट आप यहाँ पे कर देंगे, और ठीक वैसे ही इसमें नीचे वाले में भी, लेकिन यहाँ पे जब नीचे वाला कंपोनेंट होता है वहाँ पे आपका एड करना होगा बस, और सिंपल कुछ नहीं है यहाँ पे, आप या तो फार्मूला से निकालिए, जब इस दोनों फार्मूला को इसमें रखेंगे पुट करेंगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। ये चीज है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे अच्छा आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहला कि कोई भी जैसे टू दो भी दो लाइन पे प्लेनर आर्म दिया हुआ है, जिसका ए बी डिस्टेंस हमको 10 mm दिया हुआ है, बी सी क्या दिया हुआ है 20 mm दिया हुआ है, और ए डी क्या दिया हुआ है हमारा 26.98 दिया हुआ है, और सी डी भी आर्म दिया हुआ है, हमको सभी आर्म दिए हुए हैं, हमको क्या फाइंड करना है एंगल थीटा वन और थीटा टू फाइंड करना है। देखिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जो हमको ए बी देखिए जो हमको ए बी दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ए बी दिया हुआ है 10 mm, लेकिन जो सी डी हमारा क्या है, देखिए सी डी जो हमारा ये वाई है टोटल ओवरऑल, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू 12.6 दिया हुआ है, और ए डी का वैल्यू भी दिया हुआ है जो कि एक्स है 26.98। अब यहाँ पे आप फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पे दिया है फार्मूला कि कॉस थीटा टू कैसे निकालेंगे और कॉस थीटा वन, तो आपको बस सिंपल फार्मूला में रख देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल वन, एल वन देखिए डिस्टेंस जो पहला वाला होता है और एल टू दूसरा वाला होता है, इसको फार्मूला में रखेंगे आपको कॉस थीटा टू मिलेगा। अब देखिए लेकिन कॉस थीटा टू मिल गया, लेकिन हमको अभी क्या निकालना है, अब थीटा टू तो मिला है लेकिन अब थीटा वन कैसे निकालेंगे, अब थीटा वन के निकालने के लिए क्या फार्मूला था हमारा, ये फार्मूला आपको बताए थे अभी प्रीवियस टेस्ट की, आपको ये फार्मूला याद करना हो आप डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता। तो कॉस थीटा टू और यहाँ पे आपको कॉस थीटा टू इस फार्मूला से मिल गया, फिर थीटा वन निकालना है, और थीटा वन देखिए हमारे क्या है नीचे वाला, तो इसमें क्या होगा हमको टेन वाला फार्मूला लगाना होगा, इसमें सिंपली कॉस वाला फार्मूला लगाना होगा, आपको ये याद करना होगा। अब उसके बाद देखते हैं फॉरवर्ड और इनवर्स क्या होता है हमारा। अब देखिए फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको हम सिंपल बता देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं और इनवर्स बता देते हैं आपको क्या होता है, उसके बाद आप खुद ही अपने से पढ़ लीजिए। जब जैसे कोई भी देखिए एक एंगल था, ये हमारा बेस है, एक मिनट ये टेढ़ा थोड़ा बन गया, उसको हम सीधा बना लेते हैं। देखिए ये जैसे एक बेस हो गया, ये एक एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यहाँ पे जैसे कोई भी यहाँ पे थीटा थ्री थीटा टू और थीटा वन, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें क्या है हमारा कि अगर हमको देखिए समझिए, अगर कार्टेशियन दिया हुआ है, कार्टेशियन से अगर हम जाते हैं कहाँ, अगर कार्टेशियन से हम जॉइंट वाले एंगल वाले फॉर्म में जाते हैं तो ये हमारा क्या है इनवर्स काइनेमेटिक्स, ये हमारा इनवर्स काइनेमेटिक्स है। अगर हम अपोजिट जा रहे हैं जॉइंट से पढ़ने तो हमारा की क्या है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, ये चीज है आपका, और सिंपल कुछ नहीं है, बस आपको ये चीजें याद करना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि मैंने जो फॉरवर्ड क्या होता है मैनिपुलेटर जो होता है, अगर कंपोज सीरियल लिंक में कनेक्ट होता है लेकिन उसमें क्या ज्वाइंट होता है, किससे ज्वाइंट होता है रिवोल्यूएट या प्रिस्मैटिक ज्वाइंट से ज्वाइंट होता है, उसका बेस जो होता है वो रिवोल्यूएट या तो प्रिस्मैटिक ज्वाइंट से होता है, किसके इन डिफेक्टर के, तो ये हमारा किसमें आता है फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में आपको सिंपल ये है कि इसमें ये इसमें कंस्ट्रक्शन बताया कि कैसे हमारा मैनिपुलेशन, कैसे हमारा प्रिस्मैटिक ज्वाइंट या रिवोल्यूएट ज्वाइंट कैसे एक्शन परफॉर्म करके वो बेस से जुड़ा होता है और उसको एक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कैलकुलेटिंग द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द इन डिफेक्टर इन टर्म्स ऑफ ज्वाइंट वेरिएबल, देखिए हम बताया था आपको ज्वाइंट में कन्वर्ट करना है तो हमारा क्या फॉरवर्ड है, और इसमें कोई भी देखिए यहाँ पे तीन, यहाँ पे आपको चार डायमेंशन याद करने होंगे जो कि अल्फा आई वन आई माइनस वन, और एक जो हमारा की एंगल है, और जो हमारा ए आई वन है वो क्या है एंगल है, और डी आई वन डिस्टेंस है, थीटा हमारा ज्वाइंट एंगल का है, देखिए डी आई लिंक लेंथ है, देखिए आप यहाँ पे सिंपल याद कीजिए ना, देखिए जो हमारा लिंक लेंथ क्या है ए आई माइनस वन, ये क्या है लिंक ट्विस्ट क्या है हमारा अल्फा माइनस वन, फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद लिंक ऑफसेट क्या है हमारा डी आई माइनस वन, और ये हमारा ज्वाइंट एंगल क्या है थीटा आई, बस सिंपल देखिए आपको, देखिए यहाँ पे एक बार आपको फिर से करवा देते हैं नहीं तो आप भूल जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा अल्फा आई वन माइनस वन ए माइनस आई वन और हमारा क्या था डी आई और थीटा आई, ये हमारा क्या था ज्वाइंट एंगल था, ये हमारा क्या था ऑफसेट था,
और ये हमारा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन था, और ये एंगल बिटवीन किसके था, ये हमारा दिखा दे रहे आपको एक मिनट, ये पे था हमारा लिंक लेंथ और लिंक ट्विस्ट। जो हमारा अल्फा A1 है वो हमारा क्या है, लिंक ट्विस्ट, मतलब कितना लिंक उसमें, लिंक में उसमें चेंजेज आया है ये है, और हमारा ये अल्फा A1-1 क्या है, हमारा लिंक लेंथ है कि उस लिंक का लेंथ कितना है, ये चीज आपका है, और सिंपल और कुछ नहीं है बस। आपको देख दिखा देते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इनवर्स में भी वही चीज है बस सेम, कि जो पोजीशन और ओरिएंटेशन क्या हो, क्या हमको कन्वर्ट करना होता है किसमें, कार्टेशियन, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देख कन्वर्जन ऑफ पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ मैनिपुलेटर इन फ्रॉम कार्टेशियन स्पेस टू ज्वाइंट एंगल, मतलब अपोजिट हमको जो कार्टेशियन एंगल दिया हुआ है उससे उससे हमको अब वापस कहाँ जाना है, ज्वाइंट एंगल में जाना है। तो ज्वाइंट एंगल में जाने के लिए हमको क्या यूज करना होगा, इनवर्स काइनेमेटिक्स यूज करना होगा, जो कि इनवर्स काइनेमेटिक उसको हम कहते भी हैं, उसको नेम भी डिफाइन करते हैं। अब सॉल्विंग द इनवर्स इज कॉम्प्यूटेशनली, अब इसमें क्या होता है हमारा एक इसका डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज का क्या है कि इसको सॉल्व करना कैसे है, इनवर्स सॉल्व करना क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, ज्यादा होता है, और ड्यूरेशन टाइम भी इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए हम उतना यूज नहीं करते हैं इसमें। और इसमें इसमें ज्वाइंट जो स्पेस रिप्रेजेंटेड बाई ज्वाइंट एंगल होता है, ये तो आप अभी देखें। अब देखते हैं हम आगे क्या है क्वेश्चन, एक मिनट गाइस। तो यार क्या पूछा है, रोबोट आर्म काइनेमेटिक्स क्या है, रोबोट आर्म काइनेमेटिक्स हमारा क्या है, कौन रोबोट आर्म काइनेमेटिक्स क्या है, एक प्रकार का स्टडी है, किसके स्टडी, क्या स्टडी करना, एनालिटिकल स्टडी किसके बीच में, मोशन ऑफ द रोबोट, याद रखिएगा पॉइंट, यहाँ पे आपको हाईलाइटर भी यूज कर दे रहे हैं, आपको याद भी रहेगा पॉइंट ऐसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है मोशन ऑफ द रोबोट आर्म विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब कि मोशन जो रोबोट का मोशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी एक फिक्स डिफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए आपको सिंपल एक बार फिर बता देते हैं, सिंपल यहाँ पे आपको विजुलाइज करा के देखिए हमारा रोबोट काइनेमेटिक्स क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक रोबोट है, ये आपका मान लीजिए रोबोट तो है नहीं, एक फिक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे दिए एक्स वाई और जेड, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक कोई दे दिए, अब इसके अकॉर्डिंग वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये द मोशन ऑफ द रोबोट विथ रिस्पेक्ट टू, ये हमारा क्या है, फिक्स रिफरेंस है हमारा, ये हमारा फिक्स रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये हमारा रोबोट है जो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये चीज है हमारा, ये जो रोबोट आर्म काइनेमेटिक्स है। आगे आपको देखते हैं क्या इसमें क्या होता है हमारा, ओपन लूप आर्टिकुलेटेड, ओपन लूप अब क्या होता है कि जैसे ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है आपको बता देते हैं फिर से एक बार। देखिए ओपन लूप क्या होता है हमारा, जैसे ये आपका यहाँ पे एक फिक्स बेस है उससे आपका कनेक्ट है रोबोट, और उसके बाद वो हमारा क्लोज लूप क्या होता है, जैसे इसी से हमारा कनेक्ट है कई सारे, ऊपर क्या होता है सरफेस जो हमारा सर्कल वाला होता है, यहाँ पे आपका डॉटेड वहाँ पे वो क्या होता है सर्कल में होता है, वो एक सरफेस की तरह, एक सर्कल की तरह वो बना होता है, वो इसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं करता है। तो हमारा क्या होता है जो आर्टिकुलेटेड आर्म क्या होते हैं, हमारा ओपन लूप होते हैं, ये चीज हमारा इसमें। अब देखिए रिवर्स काइनेमेटिक्स किसे हम कहेंगे, ये तो हो गया, अब रिवर्स काइनेमेटिक्स हम उसे कहेंगे जब हमारा ज्वाइंट एंगल और डिफरेंट एंगल जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है हमारा जिस किसका मैनिपुलेशन का है वो किसके द्वारा ड्राइव होगा, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन इन डिफेक्टर के। अब देखिए ये चीज आपको एक बार हाईलाइट कर देते हैं फिर उसके बाद आप देखते हैं इसमें क्या है? अगर हमारा ज्वाइंट एंगल या उसका डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन किसके द्वारा डिराइव है, पोजीशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द इंडिफेक्टर, जो इंडिफेक्टर का पोजीशन जो उसका ओरिएंटेशन होगा उसके ऊपर अगर वो डिफाइंड होगा तो वो चीज हमारा क्या होगा, रिवर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम होगा। आपको याद करना है, सॉरी ये तो थोड़ा डार्क हो गया ज्यादा। अब देखिए इसमें क्या है, आगे पॉइंट देखते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट काइनेमेटिक्स और इनवर्स काइनेमेटिक्स में डिफरेंस क्या है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन किसका, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, किसके रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द इन इफेक्टर ऑफ अ पॉइंट स्पेस टू वर्ल्ड स्पेस, यहाँ पे देखिए आपको भी सिंपल बता दे रहे हैं, देखिए ज्वाइंट स्पेस टू वर्ल्ड स्पेस में आएगा तो आप सिंपल जान लीजिए कि हमारा ये डायरेक्ट काइनेमेटिक्स से। अब इनवर्स देख लेते हैं, जब हमारा क्या होता है उसमें क्या था आपका, जब आपका ज्वाइंट स्पेस से वर्ल्ड स्पेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड स्पेस से अगर वो ज्वाइंट स्पेस करेगा तो ये चीज हमारी उसमें चेंजेस आ जाएंगी, मतलब ये चीज हमारा चेंज इसमें आएगा, इनवर्स में हमारा ये आएगा कि वर्ल्ड स्पेस से वो ज्वाइंट स्पेस आया। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब हमारा पूछा है कि इलस्ट्रेट द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इंडस्ट्रियल रोटेशनल रेशनल ज्वाइंट, ये सब चीज हमको बताना है। अब देखिए मैं यहाँ पे सिंपल आपको फॉर्मूला ये तो बताई थे,
देखिए उसमें बस पूछा है कि जैसे कोई भी लीनियर ज्वाइंट आप कैसे निकालेंगे, जैसे आपको लीनियर ज्वाइंट निकालना भी है किसी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का दिया हुआ है वो, लेकिन उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है। अब इंडस्ट्रियल रोबोट के लिए निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, हमको कोई भी 3 एंगल दिया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहला जो डिस्टेंस होगा हमारा क्या, एक्स एल वन कॉस थीटा 1, जो कि हमको इसको क्या कन्वर्ट करना होता है फॉरवर्ड में। जैसे आप कन्वर्ट क्या करते थे कि जो हमको ज्वाइंट एंगल दिया होता है, जो ज्वाइंट स्पेस होता है उसको हमको कन्वर्ट करना होता है किसमें, वर्ल्ड स्पेस में। तो बस 3 एंगल दिया हुआ है तो L1 cos theta 1, और दूसरा क्या 2 एंगल दिया है, 2 ज्वाइंट एंगल है तो θ1 + θ2, वैसे सिमिलर प्रोसीड करते रहेंगे। अब लेकिन यहाँ पे देखिए एक टर्म हमारा है साई, जो कि डिफाइंड यहाँ पे, और साई सॉरी गाइस, तो साई हमारा क्या है कि जो ओरिएंटेशन ऑफ एंगल जो है हमारा, साई हमारा क्या है, ओरिएंटेशन है एंगल ऑफ रिस्ट का। ये चीज हम कैसे निकालेंगे, जो ओवरऑल हमारा एंगल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप भी, तो जो ओवरऑल एंगल हमारा है वो क्या होता है साई, कि वो रिस्ट एंगल में कितना वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि जो टोटल ओवरऑल एंगल डिफरेंस है वो चीज है। अब देखिए अगर हमको कोई भी एक डिस्टेंस निकालना है, जैसे हमको यहाँ पे x3 निकालना है कोऑर्डिनेट, तो जो ओवरऑल है उसमें से माइनस कर दीजिए L3 cos φ, जो यहाँ पे ट्विस्ट आपका ओरिएंटेशन एंगल ऑफ द ट्विस्ट है उसको बस माइनस करना है, किससे, L3 cos φ या कुछ भी आप उसको एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर y का निकलना है तो y सिंपल कर दीजिए। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है ओवर इनवर्स, एडवांटेज तो पहले जान गए कि इनवर्स में क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम ले लेता है और ये कॉम्पैक्ट नेचर का होता है, इसका जो एक्सपेंसिव भी होता है टाइम भी इसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट, ये सब चीजें। तो इसका एडवांटेज क्या है देख लेते हैं कि ग्रेट कन्वीनियंस टू काइनेमेटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस, कि ये दोनों एनालिसिस अच्छे से करता है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक। और ये क्या होता है, इसमें मिनिमम नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल के नंबर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये चीज है हमारा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कि डीएच रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डीएच जैसे डीएच का फुल फॉर्म क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए लिखा भी है डेनाविट हर्टेनबर्ग, याद रखिएगा नेम डेनाविट हर्टेनबर्ग, ये हमारा है। और ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये हमारा क्या डिस्क्राइब करता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी डिस्क्राइब करता है एज वेल एज रोटेशनल भी वो हमारा डिस्क्राइब करता है, और इन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो हमारा बताता है क्या, डीएच रिप्रेजेंटेशन। और डीएच रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसमें रिजल्टेंट जो हमारा आता है 4x4 मैट्रिक्स का होता है, और ये किसमें होता है, होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, ये चीज आपको याद करना। और ये किससे कनेक्टेड होता है, ये प्रीवियसली जैसे कोई भी आप एक जैसे कोई भी एक आप एंगल लिए, जैसे आपने अल्फा थीटा 1 ये आपने लिए, तो ये प्रीवियसली किससे कनेक्ट था, पहले अल्फा थीटा नॉट, ये थीटा नॉट, तो ये चीज इसमें देखा जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना प्रीवियस लिंकेज कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि ये अपना जो आगे वाला फॉरवर्ड पास होता है उसको कैसे वो लिंक करता है, कि वो प्रीवियस का जो हमारा लीकेज फॉरवर्ड पास है उससे लिंक करता है, ये चीज है हमारा। अब उसके बाद देखते हैं हमारा क्या मैनिपुलेट काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैनिपुलेटर काइनेमेटिक्स क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल एक जैसे यहाँ पे देखिए बेस है, उसको आप कनेक्ट किए किसके, प्रिज्मेटिक देखिए क्या होता है, पहला कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने एक एक्सिस लिया, उसी के बीच आपने एक वो एक्सिस जो हमारा होता है ना, जिसके एक्सिस के मूव अराउंड करेंगे वो चीज हमारा होता है, इसीलिए ये रिवॉल्वेट क्या होता है, प्रिज्मेटिक ज्वाइंट ओवर ड्रिवन एक्चुएटर, जो कि हमारा प्रिज्मेटिक ज्वाइंट या रिवॉल्वेट ज्वाइंट इसके एक्सिस को लेके उस पर रोटेट करे, ये चीज हमारा होता है मैनिपुलेटर काइनेमेटिक्स। और इसमें यहाँ पे आपको नीचे दिखा सकते हैं डायग्राम से, देखिए समझिए सिंपल है। देखिए अब इसमें भी क्या होता है, दो प्रकार होते हैं इसमें, देखिए अगर हम ज्वाइंट एंगल जैसे यहाँ पे दिया है Q1 Q0 Qn तक दिया है डॉट डॉट, अगर उसमें हम लिंक पैरामीटर कुछ ऐड कर दिए, जैसे हमारे यहाँ पे एक्स और वाई था सिंपल लेके उसको ऐड कर दिए, और हमारा जब पोजीशन ओरिएंटेशन आपको मिल गया तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा फॉरवर्ड या डायरेक्ट काइनेमेटिक्स है और कुछ नहीं है। अगर लेकिन हमको जब ठीक वैसे पोजीशन ओरिएंटेशन एंड फैक्टर में अगर कुछ हम लिंक पैरामीटर ऐड करके उसको इनवर्स पा गए, फिर से हमको ज्वाइंट एंगल मिल गया, तो उससे हम क्या बोलेंगे, इनवर्स काइनेमेटिक। देखिए सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें, अगर हमारा ज्वाइंट एंगल्स से हमारा पोजीशन ओरिएंटेशन ऑफ इंड फैक्टर आ रहा है तो डायरेक्ट काइनेमेटिक्स, अगर उसका अपोजिट हुआ तो इनवर्स काइनेमेटिक्स, सिंपल है और कुछ नहीं है। और ये इसका क्या होता है, देखिए सिंपली लिखा है रोटेट और ट्रांसलेट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ द फ्रेम, जैसा कि आपने हमको हमने बताया था ऊपर भी, जैसे कि उसमें रोबोट का जब मोशन होता है वो क्या होता है, किसी फिक्स फ्रेम ऑफ द रिफरेंस होता है, ये चीजें होते हैं इसमें, तो यही चीज है।
अब उसके बाद देखिए इसमें पैरामीटर लिंकेज लिंकेज कई प्रकार होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं सीधे डायग्राम से, देखिए यहाँ पे क्या पूछा लिंकेज यहाँ पे है, तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं फिर आपको। देखिए यहाँ पे कुछ है पैरामीटर लिंक, हमको पहला बताना है कि पैरामीटर लिंक हमको डिटेल बताना है। पहले पॉइंट हाईलाइट हुआ देख सकते हैं कि किसके द्वारा ज्वाइंट होता है, प्रिज्मेटिक ज्वाइंट या रिवॉल्वेट ज्वाइंट होता है, और हर डिग्री ऑफ जो ज्वाइंट है वो क्या होगा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक जैसे कोई भी एक ज्वाइंट है तो क्या कर रहा है 1DOF 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो ले ही रहा है, ये चीज है हमारा इसमें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सिंपल, देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए पहला ज्वाइंट यहाँ पे रहा, पहला ज्वाइंट हमारा इधर देखिए कहाँ गया कहाँ गया। हाँ देखिए मान लीजिए यही एक्सिस को लेके एक ज्वाइंट लिया है जो कि आई, पहला देखिए अगर किसके ज्वाइंट हमारा आई है तो लिंक कितना है आई माइनस वन, ठीक। देखिए वैसे इसमें भी दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए हमारा अगर ज्वाइंट हमारा आई प्लस वन है तो उसके प्रीवियस वाले का लिंक होगा, तो लिंक देखिए आई माइनस वन हुआ। अब देखिए जैसे इसका लिंक आई प्लस वन है तो इसका ज्वाइंट क्या होगा आप बताइए, आई प्लस टू होगा। ज्वाइंट हमेशा क्या होगा प्रीवियसली से एक ज्यादा होगा, अगर लिंक निकलना है तो ज्वाइंट का प्रीवियस होगा, सिंपल लॉजिक और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट, ये लिंक पैरामीटर यही है हमारा कि लिंक सभी को एक एक, जैसे यहाँ पे फिर से आपको बता देते हैं कि यहाँ पे लिंक आपको सभी को बताना होगा, जैसे यहाँ पे लिंक कर दिया INS तक लिंक बताना है तो पहला ज्वाइंट यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एक एंगल मूव करा रहा है ये है अल्फा आई, फिर उसको देखते हैं हम दूसरा, फिर यहाँ पे किए लिंक आई माइनस वन तो ज्वाइंट आई हो गया हमारा, इंक्रीज कर देगा यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा आई डी आई, ये सब हमारा क्या एसोसिएटेड, जैसा फोर्थ पैरामीटर आपको मैनिपुलेटर ने बताया था क्या अल्फा ए डी और थीटा, थीटा हमारा क्या था लिंक जो एंगल था वो था, और डी क्या था ऑफसेट लिंक ऑफसेट एंगल लिंक ऑफसेट था, और ए क्या था हमारा जो ट्विस्ट लेंथ था, और ये डी हमारा यहाँ पे ये अल्फा था, ये हमारा लिंक एंगल था, और ये हमारा ट्विस्ट जो हमारा डिफरेंट लेंथ था ये था हमारा, सिंपल और कुछ नहीं है। और उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, अब उसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए पोजीशन रिप्रेजेंट देखिए अगर थीटा वाले फॉर्म में करना है, जैसे एंगल वाले फॉर्म पर करना है ज्वाइंट एंगल फॉर्म में, तो आप सिंपली थीटा वन थीटा टू विथ रिस्पेक्ट कर दीजिए, देखिए थीटा वन थीटा टू। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में करना है हमको, अगर वर्ल्ड स्पेस में करना है तो वो कार्टेशियन फॉर्म में होता है जो कि हमारा एक्स वाई जेड ये सब फॉर्म होता है। बस सिंपल यही आपको पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, दो तरीके हमारे पास, एक तो ज्वाइंट एंगल स्पेस है और दूसरा हमारे पास वर्ल्ड स्पेस, जो हमारे पास वर्ल्ड स्पेस एंगल रिप्रेजेंटेशन है, ये चीज है हमारा। तो इसको आप देख के एक डायग्राम बना दीजिएगा, बता दीजिएगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये चीज हो जाएगा। अब ज्वाइंट एंगल से वर्ल्ड स्पेस कन्वर्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड हो गया, अब अगर उसका अपोजिट हुआ तो बैक इनवर्स हो गया या बैकवर्ड हो गया, सिंपल लॉजिक है। अब देखते हैं ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये पूछा है कि इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए इसमें प्रोसीजर हमको देखिए अब ध्यान से देखिएगा इजीली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है हमको कोई भी तीन एक्सिस लेने हैं, जैसे हमारे पास तीन एक्सिस है उसको कैसे डिटरमाइन करना है वो ये बताना है। तीन एक्सिस जैसे हमने यहाँ पे लिए एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट, इसको हम कैसे कैसे डिटरमाइन करना है ये हमको बताना है, बस सिंपल और कुछ नहीं है। देखिए पहला हमको इसको पहले इसमें हमको पहले क्या डिटरमाइन करना है एक्स नॉट, तो एक्स नॉट कैसे डिटरमाइन होगा जो कि हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस के होगा, किसके ज्वाइंट वन जो भी पहला ज्वाइंट होगा उसके परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एक्स नॉट हमको मिलेगा। अब पूछेंगे सर आप कैसे जेड नॉट मिलेगा और वाई नॉट कैसे मिलेगा, और जेड नॉट हमको कैसे मिलेगा, जेड नॉट जो हमारा एक बेस होगा, जो जैसे कोई भी बॉडी अटैच है उसका जो उसका बेस होता है ना, जैसे ये कोई बॉडी उसका ये वाला एक्सिस क्या होता है हमारा जेड होता है, तो जेड हमको वहां से देखिए जेड इज टिपिकली अटैच टू बॉडी जीरो, कोई भी बॉडी से अटैच है उसके जो जेड एक्सिस होगा वर्टिकल एक्सिस होगा जो कि को इंसिडेंट करेगा ज्वाइंट वन से, ज्वाइंट वन देखिए ये रहा तो ज्वाइंट वन हमारा एक्स नॉट हो गया और ये वाला हमारा जेड एक्सिस। लेकिन वाई नॉट निकालना है तो क्या होगा थर्ड एक्सिस वाई नॉट इज नोन फ्रॉम एक्स नॉट, इसका फॉर्मूला ये है सिंपल। अगर हमको पहला वाला एंगल निकलना है तब इसमें देखिए अब सेकेंड स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेज में हमको क्या फाइंड करना है एक्स वाई और ये सब फाइंड करना है, तो देखिए सेकेंड में हमको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है अब हमको सेकेंड में ये फाइंड करना है आई माइनस वन वाई माइनस वन और जेड आई माइनस वन। तो इसमें क्या होगा जो हमारा ओरिजिन फ्रेम होगा वो लोकेटेड कहाँ होगा आई, यहाँ पे लिखा है देखिए आई ज्वाइंट पे जो हमारा ओरिजिन वाला होगा जो फुट लेंथ होगा वो कहाँ ओरिजिन पे होगा और वो कैसे डिटरमाइन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि वेन आई माइनस वन और आई आर पैरेलल तो आई जो ज्वाइंट होगा वो हमारा क्या होगा ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ पोजिशन। इसका मतलब देखिए समझिए कि जैसे हमारा
इसमें हमको डिटरमाइन करना है कि एक्स हमारा कैसे डिटरमाइन, पहला एक्स हमारा जो डिटरमाइन होगा वो कैसे होगा कि जो नॉर्मल होगा, देखिए यहाँ पे आपको एक बार सिंपल फिर से बता देते, देखिए जो हमारा एक्स कैसे डिटरमाइन होगा, जो आई ज्वाइंट के और आई माइनस वाई ज्वाइंट के नॉर्मल होगा वो हमारा एक्स होगा, लेकिन अगर वो दोनों पैरेलल हो गए तो उसमें जो डिस्टेंस बिटवीन फ्रेम होगा वो हमारा क्या होगा, वाई डिटरमाइन करेगा। और जब हमारा ये सब दोनों हो गया तो हमको जेड निकालना, तो जेड सिंपल इंटरसेक्शन होगा हमारा, यहाँ पे लिखा है ना देखिए आई माइनस वन एंड आई इंटरसेक्ट जहाँ करेगा वो हमारा पोजीशन ऑफ जो ओरिएंटेशन होगा या ओरिजिन ऑफ द फ्रेम होगा वो हमारा जेड होगा, सिंपल लॉजिक है। अब देखिए स्टेप थ्री हमको क्या करना है, स्टेप थ्री में भी हमको देखिए स्टेप थ्री क्या है, सिंपल जैसा स्टेप वन जैसा है, स्टेप वन जैसा इसमें सिमिल आपको डिटरमाइन करना है, पहले एक्स जो आपको डिटरमाइन कर लेंगे आई माइनस वन एक्सिस पे, और वाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, वाई तो लास्ट में आपको मिल ही जाएगा क्योंकि पहले वाले स्टेप में हमारा यही था, और जो जेड मिलेगा वो कैसे मिलेगा हमारा, जो जेड हमारा मिलेगा वो जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा जो बेस वाला यहाँ पे बताया था ना, जो जेड होगा हमारा वो बेस वाला होगा, और जो इसके जो यहाँ पे पैरेलल होगा या जो उसके साइड मतलब जैसे उसके 90 डिग्री होगा वो हमारा एक्स आई माइनस वन, देखिए लिखा ना एक्स आई माइनस वन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, वो वहां से मिल जाएगा, बस सिंपल यही करना है आपको। अब फोर्थ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेप में भी हमारा यही है कि फोर्थ स्टेप पहला जो हमारा जैसे एक्स एन हमको पहले निकालना होगा जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, और जेड एन कैसे हम निकालेंगे जो एक्स एन और वाई एक्स एन के अलाइन होगा, देखिए लिखा ना एक्स एन वाज अलाइन टू कॉमन नॉर्मल बिटवीन जेड एन एंड जेड एन माइनस वन जो कि बेस होगा, और फिर इन दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे। ये याद रखिएगा कि फोर्थ स्टेप में अगर एनथ टर्म है तो हमारा क्या होगा, माइनस होगा, ये चीज आप याद रखिएगा कि जेड एन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन, ये आपको याद रखना है, ये सिंपल रहा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काइनेमेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी होमोजेनियस मैट्रिक्स है जो कि स्पेसिफाई करे, कोई भी होमोजेनियस मैट्रिक्स टी जीरो वन आई वन माइनस है तो वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि आईथ टर्म का स्पेसिफाई करे, सॉरी आईथ टर्म को स्पेसिफाई करे किस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में जो कि ए आई माइनस वन और हमारा आई के, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला आपको रिमेम्बर करना होगा, और जो हमारा यहाँ पे एक्स आई वाई आई जेड आई है वो क्या है, ओरिएंटेशन है हमारा कि वो जो पार्टीशन फॉर्म में लिखा है ना द आईथ कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेस पे बाई थ्री, और पी हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर है जो हमारा लास्ट वाला पोजीशन वेक्टर। तो गाइस ये सेकेंड यूनिट हमारा कम्प्लीट हुआ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू, जय हिंद।